नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भैया द फैक्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आम जनता के बीच पहुंचे हैं उनके विचार जानने के लिए कि बाबा राम रहीम जी की इस समय समाज को, देश को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। डायरेक्ट उनके विचार जानते हैं। सर, आपका नाम? मोहन सिंह जी। सर, आप हमें ये बताइए कि बाबा राम रहीम जी ने देश के लिए, समाज के लिए क्या योगदान दिया है? उनका तो योगदान बहुत बड़ा हुआ है। सच्चे बाजा आज तक उनका जैसे योगदान दिया ना, उनके मुकाबले कोई नहीं आया। हम दुनिया में लभते रहे गुरु को, लभते लभते थक गए। कुदरती मैनू पता चला भी सच्चे सौदे वाले गोविंदगढ़ मंडी आए हुए हैं। दारू पी रखी है मैं, मेरे पिताजी मुझे बता गए थे भी ये निशानी होगी और पूरे संत होंगे, मगर मैनू निशानी कहाँ से मिलती नहीं थी। निशानी मैनू शायद नाम जी से मिली, 1 बजे रात के वहीं मैं नाम ले लिया। ये समाज को बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे वर्ग के पागल नशिया में धुत हुए, घर के नरक बने हुए, इन्होंने सचखंड बहुत नक्शा बदल दिया। सत नाम जी से लैके ये संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी महाराज साढ़े सामने बिठाए सत नाम जी ने भी हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। मगर ये दुनिया जो है ऊपर सरकारों को चाहिए भी इसको जो समाज सुधार है ना, ऐसा समाज सुधार मैं नहीं देखा। ये जरूरी है, इनको आना चाहिए समाज के बिच। बहुत दुनिया हम तो रोले फिरते हैं उनको बिना, बहुत संगत ऐसे बिखरी और उसको बिना ऐसे कुछ नहीं है। सारी दुनिया ने उसे डंका बजाया सच का, सच का डांका बजाया, गरीबों की मदद करी और 130 मान दा भलाई के काम चल रहे हैं। तो ऐसा अब तक किसी ने नहीं कराया। ये इनका जरूरी है आ जाना, ये सेवा जरूरी है। हमें बहुत असी तो तड़पते फिरते हैं, साध संगत रुली फिरती है। तो सा सतनाम जी के हुक्म नाल उन्होंने भेजा जाए तो उन्होंने उस तरह काम चले, डेरिया के बच्चे सत्संग लगा, हमें भी संगत को शांति आवे, अच्छे काम करिए। बहुत अच्छे काम कराते हैं उन्होंने, बहुत जरूरी है सा ये संसार में, ये देश में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं उन्होंने। कि क्या क्या कार्य किए, कौन कौन से अच्छे कार्य किए बाबा राम रहीम जी? इन्होंने तो जो भी मैं तो देखता हूँ सारे अच्छे कार्य करे हैं, ब्याह शादियाँ करवाइया। आज तक जो जड़े ये हैं हिजड़े बोलते हैं, इनका नाम सुखदाई रखा पिता जी ने नाम बद, उन्होंने भी घर बना के उन्हें सुख सुविधा करी सारा। कहना भाई अपना काम करो, मंगने का वो करेगा, काम छोड़ो। है जी, जो जो भी है जितना इन्होंने करया आप तक किसी ने नहीं करया। तो ये दुनिया नू पता है, मैं अकेला नहीं कह रहा, सब दुनिया नू पता है भी क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या चल रहे। सफाई भी आंज लाया तो सरकारों भी जाग होगी, सुते पी सरकार भी जाग पी, वो भी सफाई में मोदी जी और भी सफाई भी आंज लगाया उन्होंने। देखे बाहर स्कूलों से होर उन्होंने बड़े बड़े सफाई बयान पिता जी ने चलाया। ये ऐसे ऐसे काम करे ना जो अज दुनिया पहले पता भी नहीं था, हमें पता नहीं था, हमें मैं ना आप नहीं पता राक्ष बने हुए जी। तो मेरा आज घर में मौज आई हुई है, मौज मालिक की दया मेरा ऐसे है भी उन्होंने जरूरी है समाज में, उन्होंने बाहर आना चाहिए, समाज सुधारने हो तो उन्हें बिना काम नहीं चल रहा, हम रोले फिरते हैं भाई। वो जरूरी आना चाहिए, किसी का माड़ा ना करो, लड़ाई झगड़ा ना करो, हम सारे हैं भाई भाई हैं, सबनों एक जगह बिठा के लंगर छकाते हैं, एक जगह सब सिख ईसाई हम भाई भाई। पर दुनिया मानती नहीं, और हम भाई भाई, हम अखी आगे देखे सच्चे सौदे में, सब सिखा को, ईसाइया को, मुसलमाना को, हिंदुओं को, सब एक जगह इकट्ठे कर रहे। तो बताया ऐसा काम किसी ने किया ही नहीं आज तक। ऐसे कहना संदेश ही देना चाहेंगे, जैसे बाबा जी पहले सत्संग करते थे, सत्संग भी करें तो डेरे में आए, साध संगत इसे तरी पहले मांग सेवा चले, सेवा सिमरन चले तो सत्संग करे पिताजी, भले कम कर जो करा सा तो भले कम करा रहे हैं, वो काम करें। ये अभी तो यही कह रहे हैं।